नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कल 13 मई को लगभग 9 से 11 के बीच में सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ गया है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। आज आपका दिन है, जाइए इसको सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और पूरा इंजॉय कीजिए क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत किया था और उसका फल मिल गया है। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ा और मतलब कि एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा और प्रयास कीजिए, अगली बार आपका भी मतलब कि सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से फिर ट्राई करेंगे, हताश होना नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन एज ए पीए हुआ है, पीएस है, तो उसके लिए डेडिकेटेड ग्रुप क्रिएट किया गया है टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो भी प्रोसेस होगा पीएस से रिलेटेड उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं एज ए पीए अभी ट्रेनिंग में हूँ, तो मैं सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूं, तो उसकी जो भी माइन्यूट डिटेल होगी आपको दे दी जाएगी। तो पीएसए ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मैंने भी सीजीएल 2022 दिया था, तो अब देखते हैं कि मुझे इसमें कौन सी पोस्ट मिली है। ये आपको दिख रहा होगा मेरा स्कोर कार्ड, जिसमें रीजनिंग में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है मेरा, जिसकी वजह से मुझे जो पोस्ट चाहिए थी वो इस बार नहीं मिल पाई। इंग्लिश ठीक है, स्कोर इंग्लिश में 115 है 135 में से। मैथ ठीक कह सकते हैं, 67 है 190 में से। जीएस भी ठीक ठाक है। कंप्यूटर में मेरा स्कोर था 33 out of 60, और ये मेरा रिजल्ट का कट आउट है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मुझे फिर से वही पोस्ट मिली है जिस पर मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हमारी ट्रेनिंग लगभग 24 मई तक ख़त्म होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला था कि मेरा स्कोर क्या रहा और मुझे कौन सी पोस्ट मिली। यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर जरूर किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा पसंद आया हो तो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।